हाय दोस्तों, मेरा नाम शहजादा सिंह कपूर। आई एम लिविंग इन दुबई राइट नाउ। आई एम इन पंजाब। आई एम ए फार्मर। आई एम ए ग्लोबल बिजनेसमैन। वी आर एक्सपोर्टिंग अवर प्रोडक्ट टू मेनी कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड। तो दोस्तों, जिवें साडी सीरीज चल रही है, हाउ वी कैन बिल्ड न्यू पंजाब। असी इस सीरीज दे विच हले तक कवर कर चुके हैं एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन पंजाब, एजुकेशन सिस्टम, मेडिकल टूरिज्म, NRI इन्वेस्टमेंट, फार्मिंग। तो अज असी कवर करांगे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स इन पंजाब। जिवें कि तुसीं जानदे हो, पंजाब इज मेनली नोन फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। पंजाब का फार्मर बहुत मशहूर है, जिवें मैं पिछली वीडियो कवर किया। पर पंजाब दे विच काफ़ी अच्छी इंडस्ट्री भी चल रही ने, जिवें लुधियाना फेमस है होजरी दे लई, आटो स्पेयर पार्ट दे लई, ते साइकिल पार्ट दे लई। इसी तरीके नाल जलंधर फेमस है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दे लई ते लैदर आर्टिकल्स दे लई, ते गोबिंदगढ़ इज फेमस फॉर स्टील इंडस्ट्री। पर हाले भी मेरा मानना यह है कि पंजाब विच इंडस्ट्री बहुत घट हैगी है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। अगर किसी भी स्टेट नू ग्रो करना है, सिर्फ असी एग्रीकल्चर ते रिलाई नहीं कर सकते, सानू इंडस्ट्री भी चाहिए है, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत सारा रोजगार देती है ते GDP नू इनक्रीज करती है। ते अज असी गल करांगे कि किस तरह असी पंजाब दी इंडस्ट्री नू इंप्रूव कर सकते हैं। मैं इहदे विच चाइना मॉडल की गल करूँगा। चाइना विच एक सिटी है शेंजन। शेंजन बिल्कुल होंगकोंग के नज़दीक है। शेंजन यह भी मनिया जाता है कि यह दुनिया का सब तो फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है। आज शेंजन इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। तो तकरीबन जिन्हें भी असं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अं यूज़ कर रहे हैं वो सारे शेंजन तो आते हैं। पर असी गल करांगे कि शेंजन इन्नी जल्दी ग्रो किस तरह कर गया, कि असी उस चाइनीज मॉडल में पंजाब लेके आ सकते हैं। हाँ जरूर, असी उस मॉडल में पंजाब भी लेके आ सकते हैं। दोस्तों, मैं कई बार चाइना विजिट की। चाइना विच एक फर्नीचर सिटी भी है जिथे पूरे दुनिया फर्नीचर जा रहा है। आज तुसी यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, या अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, या इवन इंडिया हो गया, तुसी जिहड़ा भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट बाय करोगे इट्स मेड इन चाइना। तो सानू ये जानना बहुत जरूरी है कि चाइना इन्ना वड्डा स्केल किस तरह बना गया, क्योंकि 1978 तो पहला चाइना वॉज नोन एज ए एग्रीकल्चर कंट्री। तो इन्हें अपने आप को एकदम ही ड्रास्टिकली चेंज कर लिया। तो दोस्तों, अज चाइना मॉडल की असी गल कर रहे हैं। तो सब तो पहला मैं ये दसना चाहूँगा कि सानू की इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इंडस्ट्री वास्ते। सब तो पहली जरूरत है पंजाब दे विच एग्जीबिशन हॉल की। मैंने ये जान के बहुत हैरानी हुई, पंजाब विच कोई भी प्रोपर एग्जीबिशन सेंटर नहीं है। एग्जीबिशन सेंटर के अपने वे वे एग्जीबिशन लगा सकते हो, तो उत्थे कई तरह के कस्टमर आते हैं जो थोड़े प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। पर पंजाब दे विच एग्जीबिशन मेले की तरह लगाई जा रही ने, ऑर्गनाइजेशन एग्जीबिशन हॉल नहीं है। तो पंजाब में लेबर तो बहुत है, बिहार तो भी लेबर आ रही है, पंजाब की लेबर भी है, पर दे आर नॉट स्किल्ड। सानू बहुत अच्छे स्किल डिवेलपमेंट सेंटर की जरूरत है। गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम चला रही है, पर ग्राउंड रियालिटी के साडे कोल अजे भी स्किल लेबर की घाट हैगी है। फिर आ जाता सिंगल विंडो सोल्यूशन। हाले भी अगर किसी बंद ने इंडस्ट्री लगानी है, उन्होंने बहुत सारी विंडोज़ में क्रॉस करना पैदा है, जिदे करके अगर कोई बहरला बंदा आता है वो तंग आ जाता है। जिस तरह अपने सिद्धू साहब कहते हैं 10% सेवा तो 90% लेवा। हर इंडस्ट्री लगाने वास्ते 10% रिश्वत देनी पै रही है, तो कई इंडस्ट्रियां इस करके पंजाब नहीं आ रही। तो असी NRIs नू किस तरह अटैक कर सकते हैं, क्योंकि NRI साढ़े भरा अमेरिका बैठे हुए हैं, कनेडा बैठे हुए हैं, आस्ट्रेलिया बैठे हुए हैं, यूरोप बैठे हुए हैं, खासकर इंग्लैंड बैठे हुए हैं, जोड़े कैश रिच ने, असी उन्होंने किस तरह इतने इनवाइट कर सकते हैं। सानू उस तरह की पॉलिसी उपर वर्क करना पेगा। तो मैं पिछले वीडियो भी कवर किया, एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर साढ़े को एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ना दे बराबर है। अमृतसर तो मोहाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो बहुत घट फ्लाइटा चल रही ने। तो बिलीव मी, कोई भी बायर यूरोप तो दिल्ली आके बाय कार पंजाब नहीं आने लगा। जोड़ा बायर एक बारी बाय कार पंजाब आएगा वो दोबारा मुड़ के नहीं आएगा, क्योंकि तो पता साड़ी ड्राइविंग किस तरह की है। तो बायर पसंद करता है कि उन्हें जिहड़ी फैक्ट्री नूं विजिट करना है वो एयरपोर्ट के नज़दीक होए। सो वी हैव टू इंप्रूव अवर एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। जिस तरह तुम्हें पता है कि साड़ी काफ़ी ज़्यादा लेबर बिहार तो आ रही है या UP तो आ रही है, उन्होंने रहना सहना मैं देखा है, रहना सहना उन्होंने बहुत बुरा है। तो गवर्नमेंट उन्होंने वाल ध्यान दे कि किस तरह उन्होंने अच्छे तरीके एकोमोडेट कर सकती है, उन्होंने बारे अच्छी पॉलिसीज बनाए ताकि लेबर अट्रैक्ट होकर साढ़े पंजाब वाल आन। जिमें कि तुम जानते हो, इनोवेशन इज़ द फ्यूचर। साढ़े फैक्ट्रीज के डिजिटलाइजेशन या IT का इंटरफेस होना चाहिए, तो सानू काफ़ी ज़्यादा बजट रखना चाहिए जेदे
ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਕੁਛ ਸੁਝਾਅ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਚਾਈਨਾ ਮਾਡਲ। ਚਾਈਨਾ ਮਾਡਲ ਇਜ਼ ਏ ਕਲਸਟਰ ਅਪਰੋਚ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੈਨਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੈਨਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਫੇਮਸ ਫੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਸ਼ੈਨਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਨਜ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਲਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਕੇਲ ਆਫ ਇਕੋਨਮੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ R&D ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਏ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੈਨਜ਼ਨ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸ਼ੈਨਜ਼ਨ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਲਸਟਰ ਬੇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਔਰਗੈਨਿਕਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਲਸਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਲਸਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਸਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 200-300 ਜਾਂ 500 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਹੌਜਰੀ ਦੇ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਸਪੋਰਟਸ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਕਲਸਟਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, R&D ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਲੀਵ ਮੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਮ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੈਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਲਸਟਰ ਹੌਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੈਡੀ ਕਰੀਏ, ਵਰਲਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੈਡੀ ਕਰੀਏ, ਵਰਲਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਪੋਰਟਸ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕਲਸਟਰ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਰੈਡੀ ਕਰੀਏ, ਲੈਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਰੈਡੀ ਕਰੀਏ, ਕੋਟਨ ਬੇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾਂ ਬਟਾਲਾ 'ਚ ਰੈਡੀ ਕਰੀਏ, ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰੈਡੀ ਕਰੀਏ, IT ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਰੈਡੀ ਕਰੀਏ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਈਡੀਆ ਹੋਣ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਬੋਕਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੋ, ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਾਏ।